आज बाहर ज्यादा गर्मी हो रहा है ना? गर्मी के दिन गर्मी नहीं होगा तो और क्या होगा रे? और क्या हाल है? वो मलेश भाई को कोरोना आ गया है, तेरे जैसे ही घूमता है पूरा दिन। भाभी कैसी है? भाभी की बात तो छोड़ ना, तेरी वाली के क्या हाल है? क्या बताएं, छोड़ो, बिरयानी बनाने के लिए बोला था। मैं तेरे को करंट बिल जमा करने के लिए बोला था। ओ, पैसा कार्ड्स खेलते समय गुम हो गया। तेरी को तुम मैं अभी आओ पूछ रही। भाई मेरे को कोरोना पॉजिटिव आया। हेलो। हाँ, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कॉल कर रहा है। हाँ बोलिए सर। तेरा भाई का कंडीशन बहुत सीरियस है। क्या हुआ सर? उसका ऑक्सीजन लेवल पूरा गिर चुका है और उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है। जल्दी से जल्दी उसको वेंटिलेटर्स में बिठाना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है सर। फ्रॉम कारुण्या हॉस्पिटल, ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड्स आर अवेलेबल, कॉल टू दिस नंबर। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, मेरा भाई का कंडीशन बहुत सीरियस है सर, अर्जेंटली उसको वेंटिलेटर बेड चाहिए। हाँ, वेंटिलेटर बेड्स तो अवेलेबल है, तुम जल्दी इधर आ जाओ। पेशेंट का नाम क्या है? मृत्युंजय सर। ओ ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी श्रीकाकुलम आ जाओ, इधर वेंटिलेटर बेड अवेलेबल है। अभी आ रहे। बस और 6 घंटे में आपका भाई को वेंटिलेटर्स पे बिठाना है, नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल है। डॉक्टर डॉक्टर
मेरा भाई का कंडीशन बहुत सीरियस है सर, अर्जेंटली उसको वेंटिलेटर बेड चाहिए। बाहर एम्बुलेंस में है, अंदर लाऊं क्या? अरे पहले तुम शांत हो जाओ, पर यहाँ पर एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। नहीं सर, इधर काम करने वाला आदमी बोला था सर इधर अवेलेबल है बोल के। यहाँ पे डॉक्टर मैं हूँ, कोई भी वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है। क्यों? तू सुनता क्यों नहीं है? हाँ? तू सुन, सॉरी सर, इधर अवेलेबल है बोल के मेरे को मैसेज आया है सर, आप ही देख लीजिए। देखिए सर, तुम ऐसे मैसेज को देखकर यहाँ पर आए हो तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से तुम चिल्ला रहे हो, निकल यहाँ से। सर, मेरा भाई, मुझे यहाँ पर बहुत पेशेंट को देखना है। You better leave me. Hello, excuse me. आप कौन हो सर? मैं ही वो फोन में जो बात किया था। सर आप ही कुछ कीजिए ना सर, तुम इधर वेंटिलेटर्स पर अवेलेबल है बोल के बोले थे, इधर ये लोग नहीं है बोल रहे सर, कुछ कीजिए ना सर। हाँ बोला था तेरे से अवेलेबल है, तो आने से एक घंटा पहले फिल हो गया। सर कोई कोई दूसरा हॉस्पिटल में ट्राई करने से? हाँ वही काम पे है, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा होगा, 5 लाख। सर फोन में फ्री सर्विस बोले थे ना सर, अभी पैसा? हाँ मदन, मैं तेरे से बोला था फ्री है, लेकिन वही इस हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल है तो थोड़ा खर्चा होगा ही। मैं सोच रहा हूँ कि तेरे को समझ में आ रहा। अगर तुम ऐसे मैसेज को देखकर यहाँ पर आए हो तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर ऑर्गन्स कुछ देने से? हाँ वो सारे चीज तो दरबार जैसा कोई, वो सारे चीज मिल जाएगा, लेकिन हमको क्या फायदा है उससे, वो सब चीज हमारे ऊपर वाले खा लेते। क्या सर गुस्सा आ रहा है, मारोगे क्या? आपके ऊपर गुस्सा के कोई फायदा नहीं है सर, गलती हमारे तरफ भी है। इधर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, तू कर सकते हो तो देखना सर, ट्राई करना प्लीज। अरे इधर ऑक्सीजन बेड नहीं है, कुछ करना है यार प्लीज, तेरे पर भरोसा रखते प्लीज, कुछ करना है प्लीज। चलना हॉस्पिटल को, अब कितने दिन इस मेरे को कुछ नहीं होगा भाई।
तो टेंशन लेना मत, मेरा नाम नितिन जय। मौत से डरने वाला नहीं हूं मैं, मर जाऊं क्या? Thank you.